So hey awesome people, welcome to the channel again. So this is the longest journey on this channel that will be uploaded. And हम लोग कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जा रहे हैं ऑन बोर्ड द 19603 अप कामाख्या डॉक्टर अम्बेडकर नगर एक्सप्रेस, जो कि पहले गुवाहाटी से इंदौर तक चलती थी, बाद में इसको कामाख्या से डॉक्टर अम्बेडकर नगर तक कर दिया गया। सो ये ट्रेन सुबह 5:35 को कामाख्या से रवाना होती है वाया ग्वालपारा टाउन, न्यू बोंगाईगांव, अलीपुरद्वार जंक्शन, डुअर्स रूट से होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी पहुँचाएगी दोपहर 1:45। ट्रेन में पैंट्री कार की सुविधा अवेलेबल है, मैंने पैंट्री से खाना भी लिया है, अच्छी सुविधा है। साथ ही साथ AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर और जनरल क्लास अवेलेबल है। और आई एम वेरी ग्लैड टू रिपोर्ट दैट जनरल क्लास वॉज वेरी क्लीन। वैसे कामाख्या से ऑरिजिनेट हो रही है तो हाँ क्लीन होगा ही, ऑरिजिनेटिंग स्टेशन है। भीड़ भी उतनी नहीं थी, दो पीछे के कोचेस में थी, दो जनरल के कोचेस आगे लगते हैं और दो जनरल के कोचेस लास्ट में लगते हैं, लास्ट वाले में भीड़ थी। और अभी हम लोग मुड़ रहे हैं, वो लाइन अब देख रहे हैं वो जा रही है रंगिया जंक्शन की ओर और हम लोग मुड़ेंगे अभी ग्वालपारा टाउन की ओर, जो कि है वाया डीपोर भी। बहुत खूबसूरत रूट है दोस्तों, तो आप लोग इन्जॉय कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ।
currently we are skipping the Chai Gaon station, and this is the place where not long ago, some months ago, the accident of Sarai Ghat Express happened. The Sarai Ghat Express was derailed here. Some of its coaches were taken back towards Guwahati, and some of it with a SGUJWDP4D went to Howrah station. So yeah, this is the place where the accident took place. So this is the Dudhnoi station, Dudhnoi junction, and that track, as you can see, is coming from Meghalaya. Mendipathar, the only station right now in Meghalaya. The Shillong station is in construction, the new Shillong actually, and this is the only functional line, and only one train runs, Guwahati Mendipathar passenger, that reverses its loco in Dudhnoi junction. And we will be meeting here with the new Bongaigaon Guwahati DEMU passenger. Now we are skipping the biggest station of this route from Kamakhya to New Bongaigaon via Gualpara town, and the station's name is Gualpara town, and many trains stop here, the like
some important trains, Sampark Kranti Express, Vivek Express, they skip Kamakhya Junction but stop here. So yeah, it is a pretty important station. And the Manas Biosphere Reserve is very much near this station. ज़्यादा दूर नहीं है, आप यहाँ से उतर के मानस तक जा सकते हैं. एंड सामने से आ रही है हमारी SPJ की WDM 3D रेट फ्रेट BCNA. मुझे लगा था सरायघाट एक्सप्रेस इसके साथ यहाँ पे क्रॉसिंग होगी, पर वो अगले स्टेशन पर होती है. सो एंजॉय. तो ये हो रहा है पंचरत्न स्टेशन स्किप. पंचरत्न मीनिंग 5 gems और पांच रत्ना या पांच रत्ना. सो यहाँ पे ट्रेन स्किप ही कर रही थी और मैंने देखा सामने, अभी ये मैंने वीडियो जब रिकॉर्डिंग की थी 14th of August. सो सामने इंडिपेंडेंस डे की तैयारी यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हैं. बहुत अच्छा लगा ये देख के. और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं नड़न नारायण सेतु की तरफ, जो कि एक रेल कम रोड ब्रिज है. अगर आप गुवाहाटी आना चाहते हैं, कामाख्या आना चाहते हैं, तो आपको दो ब्रिजेस का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप वाया रंगी आते हैं तो सरायघाट ब्रिज, जो कि रेल कम रोड ब्रिज है, या अगर वाया ग्वालपाड़ा टाउन आते हैं तो नड़न नारायण सेतु, ये भी रेल कम रोड ब्रिज है. सो या ये ट्रक अभी हमारे साथ रेस कर रही है, पर हार जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि रोड ऊपर जाएगी और ट्रैक है नीचे से. सो ये ऊपर जाते वक्त स्लो हो जाएगी. सो आप इन्जॉय कीजिए. वैसे ये ब्रिज का फुल कवरेज, ब्रिज बहुत लंबा है, 5 मिनट लगे थे ट्रेन गुजरने में. ब्रिज का जो फुल कवरेज है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पर डाल रखा है, तो यहाँ पे मैं एडिटेड करके दिखाऊंगा, उतना फुल कवरेज में नहीं दिखाऊंगा. सो एन्जॉय. सो ये है अभयापुरी स्टेशन, अभयापुरी आसाम, और ये एक
तूपी जंक्शन स्टेशन है। एक्चुअली लाइन का काम कंप्लीट हो ही चुका है काफ़ी हद तक और ट्रेन चल फ्रेट ट्रेनें जो है चल रही है। हम धुबरी गए थे, आपको याद ही होगा, धुबरी की व्लॉग मैंने अपलोड की थी, द धुबरीज व्लॉग, एंड दे आई शोड अ लाइन जो कि गौरीपुर से अलग हो रही थी। तो वो लाइन मतलब ये न्यू बोंगाईगांव जंक्शन को बाईपास करते हुए गौरीपुर से डायरेक्ट अभयपुरी आसाम आती है। तो अभी तक धुबरी से जो ट्रेनें गुवाहाटी तक जाती थी वो वाया फकीराग्राम, कोपड़ाछा, न्यू बोंगाईगांव होते हुए जाती थी, पर अब ये डायरेक्ट गौरीपुर से इधर आ सकती है अभयपुरी आसाम। सो या बहुत सुंदर है रूट, जितना मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत सारी टनल्स है, और ये जो ट्रैक अलग हो रहे हो रहा है ये वही ट्रैक है। सो या एंड ट्रेन ने फिर से नॉच अप शुरू कर दिया है और डायरेक्ट हम लोग पहुंच रहे हैं न्यू बोंगाईगांव जंक्शन। सो ट्रेन यहाँ तक तो 5 मिनट बिफोर टाइम ही थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1B पे हम लोग पहुँच रहे हैं। यहाँ पे 1A, 1B और 1, ये तीनों प्लेटफॉर्म ही है जहाँ से ग्वालपाड़ा टाउन की ट्रेन को ट्रेन एक्सेस कर सकती है। बाकी उस तरफ 2, 3, 4 एंड 5 को रंगिया की ट्रेन एक्सेस कर सकती है। 1 यूनिवर्सल एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है, 1 से आप रंगिया की ट्रेनें भी ले सकते हैं ग्वालपाड़ा की भी, पर 1A और 1B स्पेसिफिकली बस ग्वालपाड़ा टाउन की ट्रेनों के लिए बनी है। तो आफ्टर हॉल्टिंग फॉर 5 मिनट्स, 8:30 एकदम ऑन टाइम हम लोग डिपार्ट कर रहे हैं न्यू बोंगाईगांव जंक्शन, और अभी ये ट्रेन कोकड़ाझार होते हुए अलीपुरद्वार जंक्शन जाके रुकेगी। और 2 WAG 5 में अभी रेस लगा रहे थे और इस वक्त हम एक WDG 3A जो कि एक WAG 9 को खींच रही है उसके साथ रेस लगा रहे हैं। पहले आप इस रेस को एंजॉय कीजिए, फिर हम डायरेक्ट कोकड़ाझाड़ अराइवल पर दिखाएंगे, क्योंकि न्यू बोंगाईगांव से न्यू जलपाईगुड़ी तक का सेक्शन मैंने पहले 2 बार कवर कर रखा है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से दे दूँगा। सो ये अभी हम लोग शामुकतला रोड जंक्शन एंटर कर रहे हैं। ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से न्यू अलीपुरद्वार, न्यू कुचबिहार वाली लाइन और अलीपुरद्वार जंक्शन डुअर्स वाली लाइन अलग होती है, और हम लोग डुअर्स वाली लाइन की ओर बढ़ रहे हैं। पहले हम लोग डाउन मेन से अप मेन और फिर अप लूप पे शिफ्ट हुए, और अप लूप ही एक्चुअली शामुकतला से अलीपुरद्वार जंक्शन जाने वाली मेन लाइन है। सो या अच्छी खासी रफ्तार में अभी हम अलीपुरद्वार जंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, पर क्योंकि शेड्यूल बहुत टाइट था, लाइक न्यू बोंगाईगांव से अलीपुरद्वार जंक्शन के बीच में ट्रेन को 1.5 घंटा टाइम भी नहीं दिया गया था, जबकि डिस्टेंस इज़ मोर देन 120 किलोमीटर्स, और शामुकतला रोड पे 5 मिनट लगते हैं पूरा स्विचिंग एंड ऑल होने में। सो या अलीपुरद्वार जंक्शन हम लोग पहुँचे अराउंड 15 मिनट डिलेड। सो पहुंच रहे हम लोग अलीपुरद्वार जंक्शन, और इसी वजह से डुअर्स इतना पसंद है मेरे को, लाइक क्या रूट है यार, ट्रेन मुड़ रही है, पीछे नेशनल फ्लैग तिरंगा लहरा रहा है ऑन द डेट ऑफ 14th of August, उसके पीछे हिमालयन रेंज पूरा, और यहाँ से द फॉरेस्ट एंड हिल सेक्शन जो है शुरू होंगे। सो या अलीपुरद्वार जंक्शन में हम लोग अराउंड 10 मिनट्स रुके थे। दूसरी तरफ महानंद एक्सप्रेस और कामाख्या आनंद विहार एक्सप्रेस, जिसमें मैंने कुछ दिन पहले ही जर्नी किया था डुअर्स में, वो भी क्रॉसिंग हुई पर मैं दिखा नहीं पाया। और यहाँ से डिपार्चर के बाद जो होता है, लाइक
यहाँ से बिनागुड़ी स्टेशन तक जो है OHE के काम चल रहे हैं, और इसी वजह से पूरा इलाका टेम्पोररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन से भरा हुआ था। कभी 30 तो कभी 80 तो कभी 30 तो कभी 80 ऐसे ट्रेन चल रही थी। और बिनागुड़ी हम लोग अभी अलीपुरद्वार से 20 मिनट्स डिलेट निकले, बिनागुड़ी स्टेशन हम लोग क्रॉस किए 1 आवर डिलेट, पर उसके बाद फिर से ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और फाइनली हम लोग न्यू जलपाईगुड़ी, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तो अभी हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन स्किप कर रहे हैं, ट्रेन फिलहाल तो अराउंड 25 मिनट्स डिलेड है और न्यू जलपाईगुड़ी भी हम लोग 25 मिनट्स के आसपास डिलेड ही पहुंचेंगे। सो यार ट्रेन ने कवर कर लिया 35 मिनट्स, वो भी डुअर्स सेक्शन में, बहुत बड़ी बात है। पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन के चलते जो ट्रेन डिलेड हुई ना, बाई गॉड हर जगह रुक रही है। बाय द वे ये है 40027 BGKT WDP4 ऑफ लिंक के साथ हमारा सिलीगुड़ी कटिहार इंटरसिटी, और यहाँ पे एक WDG4 और भिलाई का WAP7 भी आपको दिखेगा। सामने कंचन कन्या एक्सप्रेस का लिंक, हावड़ा टू इन WDM3S भी आपको देखने को मिलेंगे। और अब डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी में, जहाँ पे 20004 के साथ कैपिटल एक्सप्रेस आपको देखने को मिलेगी। सो अगेन पूरा जो जर्नी है इसका फेयर अराउंड 170 रुपीज़ मेरे को पड़ा कामाख्या से न्यू जलपाईगुड़ी तक। जर्नी 8 आवर्स की होनी चाहिए थी, पर 8 आवर्स 30 मिनट के करीब हुई। ट्रेन में खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट इस जर्नी में तो मेरे को नहीं हुई, और क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छा था। और रूट को देखते हुए ये 35 मिनट्स डिलेड, आई डोंट थिंक सो इज अ बिग डील। सो या 100% अगर आप कामाख्या से आ रहे हैं सुबह के टाइम पे और आप लाइक गुवाहाटी बेंगलुरु जैसे भीड़ वाले ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहते, तो ये बहुत अच्छी चॉइस होगी। सो मिलते हैं अगले जर्नी में। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।